वेलकम टू हेल्थ ब्लॉग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग कुछ फूड्स हैं जिनको आप खा सकते हो और वो कोलेस्ट्रॉल रिच भी हैं। सो बट वो हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो हमारा जो है जो HDL कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल में रखते हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी कंट्रोल में रखते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। जब ये बढ़ जाता है तब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। बट वन वार्निंग इज़ हियर कि इसको ये नहीं कि आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एक्सेस में कंज्यूम करो। अगर आप इसको एक्सेस में कंज्यूम करोगे तो ये आपको अदर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सो इसलिए आपको इनको कंट्रोल में खाना होगा। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? दे आर नंबर वन इज़ एग्स। एग्स जो है जो कोलेस्ट्रॉल रिच होते हैं, तो लोग डरते हैं कि अगर हमने अंडों को खा लिया तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। अंडे जो है वो कोशिश करें कि उबले हुए खाने चाहिए, और अंडे की जो बाहर वाली लेयर होती है वाइट, दैट इज़ प्रोटीन रिच, अंदर वाली में कोलेस्ट्रॉल होता है योक में। लेकिन अंडे आपको ज़्यादा नहीं खाने हैं, आप रोज़ बेसिस पर अंडे ना खाइए और उनको एक्सेस क्वांटिटी में ना खाइए। एंड हाफ बॉइल्ड एग इज़ मच बेटर देन द प्रॉपरली कुक्ड। तो हाफ वाले में न्यूट्रिशन जो है वो सही रहता है, और इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। सो फिश जो है, फिश में वो ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो कि अपने सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए अच्छे होते हैं, मतलब बॉडी को ये रिक्वायर्ड होते हैं। दीज आर कॉल्ड असेंशियल फैटी एसिड। नॉन असेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो फिश आप कंज्यूम कर सकते हो, सो इट वॉन्ट रेज आपका कोलेस्ट्रॉल। बट अगर आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में खाओगे देन ये अलग आपको और प्रॉब्लम्स कर सकती है, शरीर में ज़्यादा गर्मी कर सकती है, उसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक आपको पाइल्स वगैरह ऐसे और चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आप जो है वो फिश के 4 पीस से ज़्यादा ना खाएं। ये फ़िश भी कई जगह से मिलती है, सो आप राइट जगह से फ़िश लें जहाँ पे फ़िश की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, अच्छी फ्रेश फिश मिलती है एंड अच्छे से क्लीन करी मिलती है। फ़िश को घर पे कुक कर सकते हैं, राइट वे में कुकिंग हो उससे आप वो वाली खाएँ तो ज़्यादा अच्छे हैं। जो पैक्ड वाली आती है कैंस में, जो पैक्ड वाली आती है वो वाली फ़िश ना कंज्यूम करें। इट विल रेज योर BP बिकॉज उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो उसको फिश को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, सो वो आपका BP इंक्रीज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल।